हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम जानने वाले एक्सरसाइज 19.1 केसी सिन्हा क्लास 12th का सॉल्यूशन, जहां तक पीछे देख चुके थे उससे आगे का आज देखेंगे। पीछे जो आपको पता है कि हम 31 से 35 तक का वीडियो बना चुके हैं, तो आज 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों आइए देखते हैं आपने क्वेश्चन 36 नंबर का सॉल्यूशन। 36 नंबर क्वेश्चन में हमारा है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, भाग देना है साइन एक्स, और इसका क्या करना है, इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष हमको निकालना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में क्या करना है, बस कुछ नहीं, अलग अलग कर लीजिए। ई टू दी पावर साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉट एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बट्टा साइन एक्स, ऐसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष चाहिए। तो एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल, यहाँ देखिए साइन एक्स और साइन एक्स ये दोनों हो रहे हैं कैंसिल, आपस में बच रहा है हमारे सिर्फ ई टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए कॉट एक्स तो ऊपर में है ही, तो कॉट एक्स लिख लिया हमने, और साइन एक्स है नीचे में। तो वन बट्टा साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक एक्स होता है, और प्लस यहाँ से भी हमारा साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, बच रहा है सिर्फ एक्स। इसका इंटीग्रल हमको किसके सापेक्ष चाहिए, एक्स के सापेक्ष चाहिए। अब सभी को अलग अलग कर लीजिए, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहाँ चाहिए कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, प्लस में बच रहा है सिर्फ एक्स का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही होगा, प्लस कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक एक्स होता है, माइनस कॉस एक एक्स होता है, प्लस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा टू, और लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो आइए प्लस माइनस का कर लेते हैं लफड़ा ख़त्म। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा टू प्लस सी, यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत हल्का था, बस थोड़ा सा सोचना था। तो उसके बाद आइए आप देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्या है, सेक 11 प्लस 12 एक्स इंटू 10 11 प्लस 12 एक्स, दोनों का क्या है एंगल हमारा सेम है, मतलब सेक थीटा इंटू 10 थीटा, इसका इंटीग्रल क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है। तो आप क्या करेंगे, बस 11 प्लस 12 एक्स को आप थीटा मान लीजिए, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक 11 प्लस 12 एक्स, ठीक है। लेकिन हमारा x का गुणांक क्या है, यहाँ 12 है, तो क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट ले लेंगे। तो यही हो गया हमारा सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए हमारा ये 38 नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखिए आप, होल स्क्वायर है तो बस होल स्क्वायर के थ्योरम मतलब फॉर्मूला पे निकाल लीजिए। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस 2ab होगा, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष चाहिए। तो देखिए आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस दोनों को प्लस जोड़ने पर आपस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष, ठीक है। सभी को आप सेपरेट कर लीजिए अलग अलग, एक का इंटीग्रल किसके सापेक्ष चाहिए, x के सापेक्ष चाहिए, प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन 2x का चाहिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, x ही होगा, और साइन 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, और x का गुणांक है हमारा 2, तो 2 से भाग दे देंगे, लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस कॉस 2x बट्टा 2 प्लस सी। तो यही हो गया हमारा 38 का आंसर, 38 का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा था। तो आइए देखते हैं 39 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमारा 39 नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में दे दिया dy बट्टा dx बराबर कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसमें हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, dy इधर नीचे में कुछ नहीं बट्टा एक है, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, dy ही होगा, और इसको इससे गुना करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रल y के सापेक्ष क्या होगा, हमारा y ही हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल लेना है तो सभी को अलग अलग कर लीजिए, cos x का इंटीग्रल x के सापेक्ष प्लस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है,
एक्स के सापेक्ष और प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा टेन एक्स, और लास्ट में हम कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो यही हो गया हमारा आंसर, वाई का वैल्यू आ गया साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो चलिए आज के आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी लिंक दिया था वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दिया वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।